प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं महेश पलावत और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। तो इस वीडियो में हम पहले तो बताएंगे कि पूरे भारत में अगले कुछ दिनों के दौरान क्या स्थिति रहने वाली है, कब मानसून विड्रॉ होगा और मानसून विड्रॉल की नॉर्मल डेट्स क्या होती हैं, पहले क्या थी, बाद में क्या हुई है और अब किस तरह से मानसून विदा लेना शुरू करेगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की उत्तर भारत से। तो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपने देखा था इस जगह सेंट्रल पाकिस्तान में था, वो पंजाब के आसपास आ गया है। तो आज पंजाब के साथ साथ हरियाणा के पश्चिमी जिलों में, यानी कुछ जो पंजाब से लगे हुए इन इलाकों में, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो फतेहाबाद है और उसके आसपास के इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश की अतिरिक्त हो सकती है। पंजाब के कई जिलों में बारिश होगी, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की अतिरिक्त ठीक ठाक होने की संभावना नजर आ रही है। उसी तरह उत्तर पश्चिम राजस्थान, जैसे कि गंगानगर और हनुमानगढ़, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहने की संभावना दिखाई दे रही है। चुरू बीकानेर में बादल छा सकते हैं, बारिश की संभावना बहुत कम है। हरियाणा के अब जो बाकी जिले हैं वो शुष्क रहेंगे। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी शुष्क रहेगा। इसमें हवाएं पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से चलना शुरू हो गई हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो उमस थी उसमें कमी आना शुरू हो गई है। उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रहेंगी। तो इन इलाकों में बारिश रहेगी और बाकी इलाके शुष्क रहेंगे। राजस्थान के ज़्यादातर इलाके अब पूरी तरह शुष्क रहेंगे और इसमें बारिश की संभावना बहुत कम है। आसमान साफ हो जाएगा, तापमान बढ़ने लगेंगे। लेकिन जो दक्षिण पूर्वी जो राज्य जिले हैं, इन इलाकों में आज हल्की बारिश हो सकती है, कल से मौसम एकदम साफ हो जाएगा। यानी कि आज की थोड़ी बहुत बारिश अगर हुई कुछ इलाके में तो हो सकती है, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। और बाकी अगर हम बात करें बाकी मध्य भारत की, तो गुजरात में आप देख सकते हैं कि बारिश नहीं है, बिल्कुल भी बादल नहीं है और मौसम साफ हो गया है। जो साइक्लोन साहिन, समुद्री तूफान साहिन था, वो ओमान की तरफ चला गया है। तो अब इस जगह पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि जो दक्षिणी जिले हैं, इन इलाकों में हल्की बारिश या एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अब गुजरात में जो दिन के तापमान है बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तेज धूप निकलेगी, आसमान साफ रहेगा, लेकिन सुबह और शाम थोड़ी सी सुहावनी हो सकती है। उसी तरह राजस्थान में भी दिन के तापमान बढ़ेंगे और सुबह और शाम के जो टेम्परेचर थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आज 4 तारीख है, 4 और 5 तारीख को बारिश की गतिविधियां ये जो पश्चिमी जिले हैं इन इलाकों में और दक्षिणी जिलों में रहेगी और बाकी इलाकों में बहुत हल्की बारिश रहेगी। और 7 तारीख से जो ये जो इलाका है इसके ऊपर वाला, ये पूरा साफ हो जाएगा। और 7 तारीख को जो हमें उम्मीद है कि वो धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में, छिंदवाड़ा वगैरह में, इन इलाकों में हल्की बारिश रहेगी, एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। 8 तारीख होते होते ये पूरा मध्य प्रदेश साफ होने लग जाएगा और छत्तीसगढ़ के भी ज़्यादातर इलाकों में वेदर क्लियर हो जाएगा। अगले 2-3 दिनों के दौरान इस इलाके में बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियाँ अभी जारी रहेंगी, क्योंकि मानसून इस इलाके से थोड़ा लेट विदा होता है। और वैसे भी इस बार आपने देखा है कि मानसून की विदाई में बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। तो अब जो ज़्यादातर इलाके हैं, यानी विदर्भ, मराठवाड़ा, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ अभी भी जारी रहेंगी। किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नासिक, मालेगांव, जलगांव, इन इलाकों में भी वेदर एक्टिविटी अगले 2-4 दिनों तक बनी रहेगी। और बाकी इलाकों में भी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन जारी रहने की संभावना है। इस इलाके में 10 तारीख के बाद ही मौसम, 10 तारीख के आसपास हम कह सकते हैं कि ये जो इलाका है उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के उत्तरी जिले, इन इलाकों से मौसम साफ होने लगेगा और उसके बाद 1-2 दिनों के बाद पूरा महाराष्ट्र साफ हो जाएगा। लेकिन अब ये पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो जो लो प्रेशर एरिया है, जो आपने देखा पहले यहाँ था फिर इधर आया, अब ये सिक्किम और जो ये बांग्लादेश है इसके आसपास आ गया है। तो अब बारिश की गतिविधियाँ सिक्किम के साथ साथ ये पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों के साथ साथ अब असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन इलाकों में देखने को मिल सकती है। लेकिन जो बाकी इलाके हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन इलाकों में हल्की बारिश ही देखने को मिलेगी। गंगे पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ये जो इलाके हैं, इस इलाके का मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा और बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना इस इलाके में हमें नज़र नहीं आ रही है। तो अब बात करते हैं, यानी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगे जिले, इन इलाकों में कोई वेदर एक्टिविटी खास दिखाई नहीं देगी, बहुत हल्की बारिश ही रहेगी। और अब बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में एक तो ट्रफ रेखा बनी हुई है, यहाँ से देखिए आप, ये ट्रफ रेखा बनी है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ है। तो यानी तमिलनाडु और रायलसीमा के साथ साथ दक्षिण अतिरिक्त कर्नाटका, बेंगलुरु, चामराजनगर, मैसूर, इन सारे इलाकों में
और चेन्नई वगैरह में भी हल्की बारिश होगी, लेकिन आंतरिक जो अंदरूनी तमिलनाडु है उस इलाके में, कोयम्बटूर वगैरह जो है, नीलगिरी वगैरह, इन इलाकों में, मदुरई वगैरह में बारिश ज़्यादा होगी। और उसी तरह केरल में भी भारी बारिश हो सकती है, मध्यम से भारी बारिश हो सकती है कई इलाकों में। और दक्षिण कोस्टल जो साउथ कोस्टल कर्नाटका है यहाँ पे भी अच्छी बारिश की संभावना है, लक्षद्वीप में भी तेज बारिश होगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में मौसम साफ रहेगा, यानी बहुत हल्की बारिश, बादल रहेंगे लेकिन छुटपुट बारिश कुछ इलाकों में होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अब बात करते हैं ये जो मानसून विड्रॉल की ये डेट्स हैं, आप देखिए ये जो लाल रंग की लाइन है ये पहले था, यानी कि 2019 तक ये इस तरह से था, और उसके बाद में अब इस साल से क्या हुआ, पिछले साल से ही ये जो 17 सितंबर है, पहले 1 सितंबर से मानसून विदा होना शुरू होता था, ये नॉर्मल डेट थी। अब जो पिछले 50 साल का डेटा है उसके हिसाब से रिवाइज हुआ है और 17 सितंबर से मानसून विदा होना शुरू होता है, लेकिन इस बार आपने देखा कि बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है, तो अब हमें लग रहा है 6 अक्टूबर से मानसून विदा होगा, 17 यानी 14 और 6 20 दिन की देरी इस बार हो सकती है मानसून की विदाई में। और उसके बाद ये जो आप देखिए कि 15 सितंबर तक होता था, यहाँ तक ये जो पूरा पूर्वी पश्चिमी राजस्थान वगैरह ये हो जाता था, और अब लेकिन ये 20 सितंबर तक है और 1 अक्टूबर तक यहाँ पर है, ये जो नया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड वगैरह ये सारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, ये सारे इलाके विदा हो जाते थे 10 अक्टूबर तक, और ये नई डेट है। लेकिन जो शुरुआत तो देर से होगी लेकिन उसके बाद बहुत तेजी के साथ मानसून विदा होगा, तो 10 अक्टूबर तक हमें उम्मीद है कि ये 1 अक्टूबर था, 10 अक्टूबर के ये जो लाइन है इस लाइन को ये पूरी तरह फॉलो करने की संभावना इस बार नजर आ रही है, यानी कि 6 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक ये जो इलाका है पूरा, यहाँ से मानसून हटना शुरू हो जाएगा, यानी कि 6 अक्टूबर से मानसून विदा होना शुरू होगा और 10 अक्टूबर तक बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, राजस्थान, गुजरात और पूरे उत्तर पश्चिम भारत यानी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, दिल्ली, ये सारे इलाके, पश्चिमी मध्य प्रदेश और बाकी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, ये जो इलाके पूरे छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र, ये सारे इलाकों से मानसून विदा हो जाएगा, और बिहार के भी ज़्यादातर इलाकों से हमें उम्मीद है कि 10 तारीख तक मानसून विदा हो जाएगा। तो जो मानसून की विदाई में देरी होगी लेकिन बहुत तेजी से विड्रॉ शुरू हो जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट मानसून 15 तारीख के बाद कभी भी सेट इन हो सकता है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे स्काईमेट वेदर में, अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।